माँ भीमाकाली के शक्तिपीठ सराहन बुशहर से हमने बशल पास ट्रैकिंग की शुरुआत की। भोले भाले निशु, शांत स्वभाव वाले राहुल, हंसमुख दोस्त दिनेश और निराले ईशांत के साथ मैं खोया सा मुकेश गुरु आजाद टीम हाइकिंग कल्चर की पहचान लिए बशल कंडे की ओर चल दिए। कंडा पहाड़ी बोली में पर्वत शिखर को कहते हैं। दरअसल ये एक दर्रा है, एक पास, जो शिमला जिले के सराहन को किन्नौर जिले के बरी कंडे से जोड़ता है और बेहद खूबसूरत है। यकीन नहीं होता, आप खुद ही देख लो। अंकल सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह पाक आपको ईमान दे और ईमान में दाखिल करे। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारी जगह है ये। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी जगह है जी। हाँ जी, माल पशु लेके रहते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपना कृषि भी करते हैं। अच्छा, और माल पशु पालते हैं और माल पशु लेके इधर आते हैं थाचों में। इस थाच का नाम है दनेवटी थाच। अच्छा, दनेवटी थाच। हाँ, दनेवटी थाच है और बहुत पहले से रहते हैं और बुजुर्गों के टाइम से रह रहे हैं। संताली का तो हमारा जन्म है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, संताली का तो हमारा जन्म है, उससे पहले से रहते हमारे बाप दादे इधर जो है। अच्छा जी। हाँ, ये हमारे पहले शुरू में जो है तो हमारे एक बुआ थी, उसकी जगह थी, नूना था उसका नाम। अच्छा, नूना। हाँ, नूना खाला थी। हाँ, नूना खाला थी जी जी, तो बुआ थी उनका नाम था। अभी हम बुराश के जंगल से चलते जा रहे हैं और अभी शायद एक घंटा और लगेगा समिट तक पहुंचने के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ। Hi viewers. Hello. सराहन से लगभग 6 hours लगे हमको। जी 6 hours। 11:30 हमने शुरू किया
और 5:30 हम पहुँचे हैं। वो हम इसीलिए लेट हुए हैं बिकॉज हम जगह जगह रुकते रहे, थकते रहे, बैठते रहे, थोड़ा इंजॉय करते रहे। शेफ निशु, मंजीत, और मंजीत क्या बना रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल चाय, उसके बाद सोचेंगे कुछ डिनर में बनाएंगे। अच्छा, चाय और उसके बाद डिनर। और ये कितना अच्छा रहा ना निशु, देखो एकदम से टेंट भी लग गया और बारिश आने से पहले ही, और हमारी लकड़ियां भी इकट्ठी, लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं। बिल्कुल, वी आर द हाइकिंग कल्चर एंड वी आर हियर एट द टॉप ऑफ बशल कंडा। सो आप लोग देख रहे हो कि हमने यहाँ पर टेंट तो अच्छे से लगा लिया है, ठीक है। जितना हमारा पैकिंग का जितना भी सामान है वो सारा सामान हमने टेंट के अंदर रख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर आग जला ली है और खाना हमारा तैयार हो रहा है। ऑलराइट, हमारे जो बैग्स है, जो गीला होने वाला जितना भी सामान है हमने टेंट के अंदर रख दिया है। थोड़ा झलक दिखाएंगे आप हमारे व्यूवर्स को? बिल्कुल 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 दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टेंट की ड्रेसिंग हो चुकी है, सिर्फ टॉर्च का लगाना बाकी है ऊपर, बाकी सब कुछ लग गया है। जैसे ही अगर हैवी रेनफॉल होता है तो हम लोग सीधे ही इसमें घुस जाएंगे। बस दिस वाज द प्लान। थैंक यू सो मच राहुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे फ्रेंड्स लग पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं डिनर की तैयारी हो रही है पहाड़ों माउंटेन टॉप पे। टॉप तो खैर इसे हम नहीं बोलेंगे, बट यह है कि टॉप यहाँ से दूर भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और सुबह हमने वहाँ पहुँचना है, धुंध की वजह से साफ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश भाई, पहाड़ों में बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है। यहाँ 5 मिनट पहले थोड़ी सी धूप निकल रही थी, अभी बिल्कुल तैयार है मौसम बारिश आने के लिए, तो थोड़ी देर बाद फिर से धूप निकल जाएगी, तो यहाँ किसी भी परिस्थिति के लिए आदमी को तैयार रहना पड़ता है। ग्रीन टी का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया। गुड़ नहीं डाली इसमें, साथ में काम कर रहे हैं, गुड़ डाली है इसमें, ग्रीन टी में गुड़ डाली है ताकि गर्माइश बरकरार रहे। बहुत अच्छा टेंट लगाया और बारिश तेज हो रही है, धीरे धीरे बारिश लग पड़ी है बहुत तेज। और हमारे दो साथी टेंट में घुस गए, एक घुसने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बारिश रुकने पर जब धुंध छट गई तो हमने देखा कि सूरज बादलों को ओढ़े हुए दूर हिमालय के बिस्तर की ओर दबे पांव चला जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि सनसेट होता, पानी की कमी के चलते हम पानी की तलाश में निकले। थोड़ा दूर तक गए लेकिन एक बूंद की भी झलक न मिली। अच्छा ये हुआ कि इस बहाने हाइकिंग हो गई, फिर ठंड बढ़ने लगी तो आग का सहारा लिया। आग जली और रात ढली। निशु ने ब्रेकफास्ट में लजीज दलिया बनाया जिसका जायका जुबां पर लेकर टीम हाइकिंग कल्चर इस ट्रैकिंग के आखिरी पड़ाव यानी बशल कैंप यमलोक की ओर चल पड़ी। इस तरह बशल पास से गुजरते हुए हमने इस ट्रैकिंग को मुकम्मल किया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस जगह को हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज का निवास स्थान माना जाता है। मरने के बाद सबकी आत्मा को यहीं आना है। खैर, हम तो अभी जिंदा थे सो जश्न जिंदगी में झूम उठे। चोटी ऊपर कलाशो।
ये कुछ भोजन हमारे पास, परौंठे हमारे पास बच गए थे जो हमने यहीं पर छोड़ दिए हैं, ताकि पशु पक्षी कोई तो इनको खा सके होपफुली। आसमान तो साफ था लेकिन हवा बहुत तेज थी, और हम भी हवा से बातें करते हुए कैंपिंग साइट की ओर लौट गए। लौटते समय हम बूढ़ा कैलाश में रुके। यहाँ रहने वाले बाबा जी ने हमें लंच करने की अनुमति दी और हमारे साथियों ने तैयारी शुरू कर दी। बाबा जी की दी गई लकड़ियों और मैगी की बदौलत ही हमारा लंच हो पाया, जिसके बाद हमने उनसे भेंट की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कुछ भी है सब शिवलिंग भी है, भगवान बस शंकर का मानो साक्षात जो भी है वही है शिवलिंग। ध्यान धरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसा माला जपने से दर्शन मिलता है परमात्मा। और किसी बड़े महान संत ने ऐसा बोला है, भोगा जो त्यागा मोक्षा पावा। कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी तो नहीं करने की जरूरत है। जरूरत है तो बस इतना करने की कि इस जर्जर और लाचार पड़े भवन की मरम्मत हो जाए, ताकि भविष्य में ये ट्रैकर्स के लिए एक सराय बन सके। ये ख्याल लिए हम लौट आए। लौटते समय एक साथी और मिल गया जो ट्रैकिंग बेस तक हमें छोड़ने भी आया। अब आपसे एक बात पूछूं, सच बताना, टीम हाइकिंग कल्चर की तरह आपका दिल भी बशल में रह गया ना? लेकिन क्या करें, परम सत्य यही है कि इंसान जहां से शुरू करता है वहीं पहुंचता है।